पावन भूमि पे एवं भारत मंडपम में आए हुए हम सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे डायस पर उपस्थित हमारे सीनियर अधिकारीगण एवं इंडस्ट्री से मिस्टर निमेश सिंह, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही चूंकि भारत मंडपम में प्रदेश सरकार द्वारा इस बार पार्टनर स्टेट के रूप में प्रतिभाग किया गया है, इसके अलावा और भी स्टेट हैं, जैसे उन्होंने भी भारत स्टेट के रूप में लिया है, तेलंगाना है, गुजरात है और आंध्र प्रदेश, केवल चार ही स्टेट हैं जिन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया में पार्टनर स्टेट के रूप में प्रतिभाग किया है। बाकी सभी स्टेट्स ने जो है फोकस स्टेट के रूप में प्रतिभाग किया है। तो मैं सबसे पहले मैं हमारे डायस पर मिस्टर प्रवीण कुमार जी, जो डिप्टी डायरेक्टर फूड प्रोसेसिंग, अब एक नोडल ऑफिसर्स थे फूड प्रोसेसिंग के, वो बैठे हुए हैं। साथ में डॉक्टर एस के चौहान, जो फल संरक्षण अधिकारी लखनऊ, अवलेख निदेशक आरफ्रे, साथ में निमित जी हमारे जो हैं बैठे हुए हैं, मैं स्वयं ए के विमल, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर लखनऊ हेडक्वार्टर से, सभी हमारे सभी का मैंने परिचय करा। इसके साथ में मैं सबसे पहले मैं प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसके बारे में सक्षिप जानकारी देंगे, फिर उसके बाद में मैं जो हमारे वक्तागण बैठे हुए हैं उनसे डिटेल्स में आप लोग शेयर करेंगे। तो हमारे प्रदेश सरकार द्वारा जो भी स्कीमें वर्तमान में चलाई जा रही हैं, हमारी सबसे अहम स्कीम्स है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023, जो प्रदेश सरकार द्वारा ही चलाई जा रही। हमारे यहाँ जो भारत सरकार के कोलैबोरेशन से, सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भारत सरकार से जो चलाई जा रहा है PMFME स्कीम, प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना, उसका भी जो है संचालन हो रहा है। उसके साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट में हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैम्बर, रिफर्मेंट, जो MIDS की स्कीम्स है उसका भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी के साथ में मैं जो हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है, बेस्ट पॉलिसी के द्वारा हम लोगों ने पिछले साल से लेकर के इस साल लगभग 164 जो है लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए हैं, जिसमें कोल्ड चेन्स हैं, स्पाइसेस हैं, ऑयल से रिलेटेड प्रोजेक्ट हम लोग स्वीकृत किए हैं। हमारे फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में 35% से 50% तक अनुदान है, जैसे कोल्ड चेन से रिलेटेड जो है उसमें 35 से 50%, बाकी नॉर्मल इंडस्ट्री जो आप सेटअप करेंगे उसमें 35%, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी PMFME स्कीम जो है सभी स्टेट्स में लागू है, चूँकि सेंट्रल की स्कीम्स है, इसमें कई वो पार्ट्स हैं, जैसे जो अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, नई या पुरानी है, तो उसको अपग्रेडेशन करना चाहता है 35% मैक्सिमम 10 लाख तक। उसके बाद में उसका एक पार्ट ये भी है कि कोई अगर स्वयं सहायता समूह या AG ग्रुप्स है तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिएशन में है तो 35% मैक्सिमम 3 करोड़ तक सब्सिडी ले सकता है। ब्रांड प्रमोशन के लिए भी है। तो इस प्रकार की ये जो विभिन्न कार्यक्रम हैं इनका संचालन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, और हमारा डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है। इन सब के बावजूद मैं सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर एस के चौहान जी से, क्योंकि हमारे यहाँ जो आरफ्रैक लैब है जिसमें क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, क्वालिटी से संबंधित जो पैरामीटर्स हैं उन पे गहन जानकारी देंगे, और उसके बाद किसी को भी कोई सैंपलिंग, अगर स्टेट में आप इंडस्ट्री सेटअप किए हुए तो सैंपल टेस्टिंग हो सकती है हमारे लैब से। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा डॉक्टर एस के चौहान से कि वो लैब के बारे में और विभाग से संबंधित कुछ जानकारियाँ देने का कष्ट करें। डॉक्टर चौहान, थैंक यू। साथियों,
जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो वर्ल्ड फूड इंडिया हमारा जो यहाँ पे हो रहा है, तो अभी जैसे बात हो रही थी कि फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, जो बाकी डेवलप कंट्रीज हैं, अच्छा इस पर बोलूँ अभी उस टॉपिक से पहले मुझे ये भी कहा गया है कि ड्रिप इरीगेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये बेसिकली किसानों के लिए है, ये अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, ऑर्गेनिक जो फूड्स है कैसे वो हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में आपने देखा होगा कि कितनी मिलावट पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इवन कई बार पानी में भी जो है हमारे हैवी मेटल्स आ जाते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम्स है, PDMC कहा जाता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से, वो बहुत अच्छी योजना है। और जहाँ जहाँ जिस स्टेट्स में इसका किसानों भाइयों ने जो उपयोग किया है तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो वीड्स वगैरह हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए वीडिसाइड्स का उपयोग भी बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी हमारी यूनिफॉर्म प्रोडक्टिविटी हमें मिलती है। आपने अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो मैच्योरिटी इंडाइसेस का नाम सुना होगा, जैसे आपके फ्रूट्स हैं है ना, किस स्टेज पर जो है फ्रूट्स वो आपके मैच्योर होते हैं। तो अब इसमें टेक्नोलॉजी इवन AI का भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आ चुका है ड्रिप इरीगेशन में, कि आप घर बैठे भी अपना इस सिस्टम को चला सकते हैं। और इसमें बेसिकली ट्रीटेड वाटर जो है वो आपका लगाया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ड्रिप इरीगेशन, वाटर एफिशिएंसी मैंने बताया आपको, 60-70% पानी की जो है वो सेविंग हो जाती है। अगर हम फ्लड इरीगेशन करेंगे तो होता क्या है कि जो ज़मीन में जो उसके पोर्स होते हैं, ठीक है, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे को सांस नहीं मिलती है। तो उसकी उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट आएगा, अनइवन राइपनिंग आपको मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना हम अधिक से अधिक ड्रिप इरीगेशन को स्प्रिंकलर इरीगेशन को अपनाएंगे तो हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के से भी सीधे जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी के हिसाब से हमें फूड भी जो है उपलब्ध कराना है जनमानस को, तो हमें हाई क्वालिटी का फूड देने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो सब कटिबद्ध हैं, जिसका हमें इस ढंग से हमें पालन करना पड़ता है। उसमें केस स्टडी अगर आप देखेंगे साथियों बैकग्राउंड्स में, जैसे ड्रोन जो आपके जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उत्तर प्रदेश में या जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी कमी है, अभी जैसे हम लोग सुनते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो है काफ़ी पानी की प्रॉब्लम आ चुकी है, डार्क जोन की तरफ बढ़ गए हैं, इसी ढंग से हमारा जो वेस्टर्न UP है वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इनको देखते हुए अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं। आपने अभी शायद पिछले साल सुना होगा कौन सा शहर था वो, साउथ अफ्रीका का, जहाँ से हमारे सभी लोग जो हैं वो उसको शहर को छोड़ के चले गए। कोई बताएगा नाम उसका, साउथ अफ्रीका का कंट्री है वो, सॉरी सिटी है, आई थिंक केप टाउन या क्या था उसका नाम। तो वो पानी का एक तरीके से वहाँ से पानी गायब हो गया शहर से, अब सभी लोग जो हैं वहाँ से उसको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो पानी अपने चीज़ में बहुत बड़ा जो है बहुमूल्य है, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर शेड मैनेजमेंट, ये पूरा सिस्टम है। जैसे इको सिस्टम्स होता है आपका, तो ये PMKSY जो योजना है आपकी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें हमारे जो किसान भाई हैं, इवन जो एंटरप्रेन्योर्स है, अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो आप अपनी टर्म्स कंडीशन पर किसानों से अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को उनसे प्राप्त कर सकते हैं। चैलेंज क्या है इसमें, बेसिकली जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन ये आने वाले 20-25 साल के लिए जो है आपका पूरा सिस्टम लगा रहता है, तो वो कॉस्ट भी एक तरीके से नल एंड वाइड हो जाती है उसमें। सस्टेनेबिलिटी अगर देखेंगे, ड्रिप इरीगेशन इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन वाटर स्केयर्स रीजन्स। फ्यूचर एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे देखेंगे जो मैंने बताया आपको कि UP गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज द एरिया अंडर ड्रिप इरीगेशन बाई 30% बाई 2025। तो बेसिकली हम लोग यही आह्वान कर रहे हैं कि जितना तेज़ी से हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो एक तो हमें बीमारियां कम होंगी। फूड सिक्योरिटी मिशन आपने देखा है कि जितना हम कम से कम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड का उपयोग करेंगे तो वो चीज़ें हमारे फूड में नहीं जाएंगी और हमारा जो फूड है वो सेफ फूड की कैटेगरी में रहेगा। ये था, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल था।
जो मुझे बताया गया कि इस पर थोड़ा सा बताना था, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन था हमारे डायरेक्टर साहब जो थे डॉक्टर द्विवेदी जी, उनको देना था, वो क्योंकि अचानक उनको लखनऊ वापस आना पड़ा, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात आती है ग्लोबल फूड सेफ्टी के ऊपर, फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, जैसे कि जो डेवलप कंट्रीज हैं आपकी, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है आपके, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, वहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट पे करती हैं, जिसको कहा जाता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इंडिया में थोड़ा सा इसके हम लोग उल्टा चलते हैं। एक आपने पिरामिड का एग्जांपल देखा होगा, पिरामिड नीचे से बड़ा होता है, ऊपर जो है छोटा होता चला जाता है। तो कहने का क्या है कि अगर हमने फूड सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है किसान के खेत से शुरू कर दिया तो आपको सेफ फूड मिलेगा। फूड इंडस्ट्री में ऐसी कोई साइंस नहीं आई है कि आप फूड में यदि कोई कंटेमिनेशन हो गया है तो वो आप उसको निकाल सकते हो। तो इसीलिए अवेयरनेस दी जाती है कि हम सेफ फूड की तरफ जाएं, जो हमारी डोजेज हैं। अगर माना जैसे अभी आपने एग्जांपल सुने थे सिंगापुर में जो स्पाइसेस थे MDH का कहाँ का वापस हो गया इथिलीन ऑक्साइड की वजह से, पहले तो किसी ने नाम सुना नहीं था, ये ETO होता क्या है, अब सब लोग सर्च कर रहे हैं उसमें, जबकि ये काफ़ी कई सालों से इसको, ये क्या है बेसिकली एक फ्यूमिगेंट है, जो कि हम लोग ये जो आपके जो इंसेक्ट उसको है उसको जो क्या कहते हैं उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसका क्वांटिटी को स्प्रे उसको डाला जाता है। अब माना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना 1 PPM उसकी डोज बताई है, और अगर हम 5 PPM या 50 PPM डालेंगे तो नेचुरली उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट्स है वो आपके पास उस मसाले में आ ही जाएगा। तो वो चीज़ों का हमें ध्यान देना है। अब हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट आपका एक तरीके से बंद हो गया है कि सब कुछ चलता है। अब आप लोग जो यंग जनरेशन है आपकी, मोर देन 65% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 35 साल से कम की है। सोचो आप लोग हैं, आप अभी भी यहाँ पे हॉल में भी अगर आप देखेंगे कि 70% लोग हम लोग 40 साल से नीचे के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ग्राहक हैं, खाने वाले कौन लोग हैं, आप ही लोग खाना खाएंगे, आपके अंदर अवेयरनेस आती है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि फास्ट फूड हम लोग खाते हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट हमें आपको ये भी बताने का प्रयास करता है कि कैसे आप फास्ट फूड तो खाओ, पिज्ज़ा खाओ, पास्ता खाओ, जो खाना है खाओ, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन का समावेश होना चाहिए। वो कैसे होगा, उसके कई सारे व्यूज हैं। यू कैन ऑप्ट प्रोबायोटिक फूड्स, प्रीबायोटिक फूड्स, न्यूट्रासिटिकल फूड्स, हेल्थ सप्लीमेंट फूड्स, डाइटरी फूड्स, तो ये जितने कैटेगरीज हैं ये आपने मार्केट में सुनते भी होंगे, तो इन चीज़ों का समावेश करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग शहर में आ गए हैं उनकी जो डाइट्स है वो गाँव के लोगों की तुलना में कम है। गाँव का जो आप ही की उम्र का जो साथी होगा, आगे आ जाइए आगे, तो वो 5, 6, 8 रोटियां खाएगा, लेकिन शहर में आप लोग मुश्किल से मैक्सिमम 4 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते होंगे, हो सकता है 2 रोटी से ज़्यादा खाता भी नहीं होगा। तो अब सवाल क्या है, ICMR का आपने नाम सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने सर्वे में बताया कि मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। तो आप सोचो कितना बड़ा जो ग्रुप है हमारे हिंदुस्तान में वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। ऐसा नहीं कि हम देखने में अच्छे लग रहे हैं सब लोग, किसी को कैल्शियम की कमी होगी, किसी को आयरन की कमी होगी, किसी को मैग्नीज की कमी होगी, और किसी को जो है उसका हीमोग्लोबिन कम होगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई, हमारी जो फूड हैबिट बदलने से आई। हम लोग प्रोटीन्स की डाइट जो है, कहा गया ICMR में कि बच्चे को 1.5 ग्राम प्रति किलो वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए डेली, क्या हम खाते हैं। जो 20 साल से ऊपर के लोग हैं उनको कम से कम 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको दिन में 60 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट आना ही होगा। वो क्योंकि हो सकता है 35 साल तक तो आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन 35 साल के बाद आपको अचानक आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस आनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ फूड सेफ्टी को, कि ये कॉन्सेप्ट आने वाले समय में बहुत अच्छा है, आप यंग जनरेशन भी हैं, आप इसमें अपने कैरियर भी अपना आगे अपना सकते हैं, फूड सेफ्टी एडवाइज़र के रूप में आप आ सकते हैं, फूड सैनिटेशन हाइजीन और जो है कंसल्टेंट के रूप में आप आगे सोसाइटी के साथ में आ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं,
आपने FSSAI का नाम सुना है, फास्टैग का नाम सुना होगा। फास्टैग में कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके फास्टैग ट्रेनिंग सुपरवाइजर्स, हाइजीन सैनिटेशंस के ऊपर, GMP GLP है ना, आपने देखा होगा इन चीज़ों के ऊपर। HACCP है, क्योंकि ये वर्ल्ड फूड इंडिया है तो यहाँ पे HACCP, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप उसको सर्च करो। HACCP होता क्या है? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। बेसिकली यही एक अनुशासन में लाने का है कि आप किस प्रकार से क्वालिटी फूड प्रोडक्ट अपने लिए और अपने समाज के लिए उपलब्ध करा सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अभी हमने एक पता करा है कि अब जो मल्टी आपके जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पर जो हमारी दादी नानी कभी अचार बनाया करती थी उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? आपके गुड़गांव में ऐसे कई हमने जिन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दी थी उनकी शादी हुई लखनऊ से, गुड़गांव में आ गई वो लड़कियाँ, और जब वापस लखनऊ में आती हैं तो बताती हैं सर हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं? कि जो हमारी दादी नानी बनाया करती थी, अचार पिकल्स है, जैसे पापड़ हैं, चिप्स हैं। तो अचार तो अब आज भी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें फ़र्क क्या है दोनों में? अब फ़र्क क्या आ गया कि उसमें हम लोग केमिकल्स ज़्यादा डालने लगे। प्रिजर्वेटिव्स जिसको कहा जाता है वो भी एक तरह से केमिकल्स होता है, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव होता है आपका, जैसे सोडियम बेंजोइट्स है वो हम डालते हैं पिकल्स में। तो अब माना हमने कहा 750 ppm डालना है आपको, मान लेते हैं आपने डाल दिया 1500 ppm, तो वो कहाँ इफेक्ट देगा? जब आप खाएंगे अचार तो आपके बॉडी में आएगा, तो बॉडी में आएगा तो नेचुरली हमारा कोई ना कोई जो ऑर्गन्स है वो आपका अफेक्ट होगा। तो जो पहले जो गांव में उसको कहा जाता है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो आपकी लोकल टेक्नोलॉजी है, पहले जो महिलाएं थी वो बिना प्रिजर्वेटिव्स के पिकल्स को बनाया करती थी। हम लोग एसिटिक एसिड डालते हैं पिकल्स में, पहले क्या डाला जाता था? राई डाली जाती थी, वो फर्मेंट होती थी, उससे उसकी एसिडिटी बढ़ती थी, तो वो आपका जो एज ए प्रिजर्वेटिव भी वो काम करता था। पहले सिरका घर में बनाया जाता था, गन्ने का सिरका बनता था। तो ये कॉन्सेप्ट भी मार्केट में धीरे धीरे आ रहा है। मेरा आह्वान क्या है, अगर आपको सिरका अच्छा लगता है तो आप नेचुरल सिरका यूज करिए। मार्केट में 95% जो सिरका है वो बेसिकली सिंथेटिक सिरका है, उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं, तो उसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है उसकी। आप नेचुरल सिरका घर में भी बना सकते हो, बहुत बड़ी साइंस नहीं है उसमें। पहले भी लोग जो है घड़ों को दबा के गन्ने का जो जूस है रख दिया करते थे, वो अपना महीने 2 महीने में सिरका गन्ने का बन जाता था, वो हम आराम से बना सकते हैं। आजकल मोर देन जो है आप देखेंगे 15-20% जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, वो एप्पल साइडर विनेगर के पीछे भागी हुई हैं। आप समझो, ठीक है, अगर उसको देखोगे आप घर में आराम से बना सकती हैं। 750 ml की शीशी 750 rupees की मिलती है, कितना कॉस्टली है सोचो। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप सेफ फूड खाओ, लेकिन ये भी देख सकते हो कि क्या उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो उसका विकल्प मैं बताता हूँ आपको। आप उसने कि कम्बुचा, आपने नाम सुना होगा, सुना है? किसी ने पिया कम्बुचा? किसने पिया, हाथ खड़ा करो। बस 2 लोगों ने 3 लोगों ने। तो कहने का कम्बुचा भी क्या है? प्रोबायोटिक ड्रिंक है ना, उसमें हमारे जो बेनिफिशियरी जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे उसमें हैं, और प्लस न्यूट्रिशन वैल्यू भी है आपकी कम्बुचा। अब जो लोग जिनको नहीं पता, थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये चाय जो चाय की पत्ती होती है उसको फर्मेंट किया जाता है, और उसमें 5-7% शुगर डाली जाती है, तो उसको हम फर्मेंट करते हैं, वो हमारा 12-14 दिन में हमारा जो है कम्बुचा बन के तैयार हो जाता है, वो हेल्थ जो हेल्थ ड्रिंक कहलाता है। तो अब मैंने पूछा एक बार, मेरी बिटिया भी वहाँ हैदराबाद में है, तो हमने पूछा बेटा ये कम्बुचा क्या होता है, तो उसने मम्मी को बताया कि पापा ये जब कई बार हैंगओवर हो जाता है बच्चों को, मैंने कहा हैंगओवर क्या होता है? बोले जब लोग जो ड्रिंक करते हैं विस्की पीते हैं, तो अगर आपको हैंगओवर से बचना है तो बाद में एक बॉटल आप कम्बुचा की पी लो, तो आपको सुबह सुबह जब ऑफिस जाओगे आपको परेशानी नहीं होगी। उसको कहा जाता है हैंगओवर से बचने के लिए। मतलब क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक कर देता है कम्बुचा। तो अलग अलग फिलॉसफी है लोगों की। आपके न्यूजीलैंड्स में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वहाँ पे गैलन के गैलन जो लोग अपने ले जाके फ्रिज में रखते हैं उसी को सुबह सुबह खाली पेट जो है वो उसको पी लेते हैं कम्बुचा को। क्योंकि जब आपके बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं होंगे तो आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो,
तो आपको एसिडिटी बनेगी। जब एसिडिटी बनेगी तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टोमक वगैरह है जो भी है, वो आपका अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। अब सवाल आता है कि आपने देखा होगा कि लेबल्स पर न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है, उसके आगे कैलोरीज भी लिखी होती हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपको कैलोरी लिखना, आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उस डिश के आगे कैलोरी लिखी हुई होती है। तो आपको एक दिन में कितनी कैलोरी खानी होती हैं, कोई बताएगा कितनी कैलोरी परमिसिबल है, जिसमें कि जिससे अगर आप उतनी खा लोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, 2000 है ना, तो 2000 कैलोरी हमारे बॉडी के लिए जो एक कहा गया कि वो रिकमेंडेड डोज है एज पर ICMR। तो क्यों कहा गया होगा कि 2000 कैलोरी खाने से आप ना ज़्यादा मोटे होगे ना ज़्यादा पतले होगे, क्योंकि हमारी बॉडी उतना कैलोरी को कंज्यूम कर जाती है 24 घंटे में। तो अब सवाल है, कई लोग कहते हैं सब हम जो हैं डायबिटिक पेशेंट हो गए, वो हो गया, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं जिनका आप सदुपयोग कर सकते हो। आप गांव बैकग्राउंड से हैं तो मैं कुछ आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे गांव में बथुआ होता है, बथुआ नाम सुना है आप लोगों ने, तो वो इतना पौष्टिक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी। अगर आप कोई छोटा मोटा रोजगार करना चाहते हैं तो आप बथुए का पाउडर बना के शहर में आप महिलाओं को बहनों को आप सप्लाई कर सकते हो। अगर आप जो है जो उसकी पत्तियां हैं सारी, थैंक यू, तो क्या हुआ कि जो उसकी पत्तियां हैं, अभी शहर में हम लोग क्या करते हैं, बथुए को पत्तियां जो हैं वो हम उसके खाते हैं, उसकी डंठल जो है जड़ है वो हम वापस डस्टबिन में फेंक देते हैं उसको। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिस है हर घर में बथुए के बारे में। हमारी लैब ने टेस्ट किया न्यूट्रिशन वैल्यू को, जितना न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी पत्तियों में था उतना ही न्यूट्रिशन वैल्यू उसके तने में और जड़ में भी था। तो क्या अब हमें उसको फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए? तो एग्जांपल क्या है कहने का है कि आप पहले फर्स्ट स्टेज में उसकी पत्तियां निकालो, सोलर ड्रायर में हल्की सी सुखा दो और वो आप सप्लाई कर दो बाज़ार में। फिर जो डंठल जड़ बचती है उसको आप सुखा के सोलर ड्रायर में उसका पाउडर बना के वो भी आप सप्लाई कर सकते हो, वो आपका बथुआ पाउडर हो गया। तो ऐसे न्यूट्रिशन वैल्यू के जो है बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। मोरिंगा आपने नाम सुना होगा, सैजन नाम सुना होगा, इसके प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आ रहे हैं, कुकीज आ रही हैं, आपकी जो है मफिन्स आ रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपकी नमकीन्स आ रही हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट भी शुरू जो हैं उनको प्रोडक्शन में ला सकते हैं और वो आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन R&D करवाती है, फूड प्रोडक्ट डेवलप करवाती है, जो भी आपके ISO 17025 के हिसाब से प्रोडक्ट की टेस्टिंग करती है, शेल्फ लाइफ निकालती है और वो जो रिपोर्ट्स है पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेबल होती है कि जो रिपोर्ट्स हम लोग आपको उपलब्ध कराते हैं। तो ये मेरा छोटा सा आपके प्रति जो है यहाँ पे मैंने संवाद किया आप लोगों से, और इन्हीं सब शब्दों के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अभी जैसे आप लोगों ने सुना, डॉक्टर चौहान सर ने आपको हेल्थ के बारे में और न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में जानकारी दी। इसके बाद में हमारे डायस पर उपस्थित हैं मिस्टर निमित सिंह जी, ये आपको बताएंगे मधुमक्खी पालन से लेकर के शहद प्रसंस्करण तक, जो आजकल बहुत मांग है शहद की, क्योंकि आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए अगर सर्वे कराया जाए तो शुगर इतनी ज़्यादा लोगों में विद्यमान हो गई है, तो हर एक दो घर छोड़ के तो लगा ऐसा शुगर पेशेंट कोई ना कोई मिलेगा ही, चाहे वो शहर में हो या गांव में भी अब प्रायः ये देखा जा रहा है। तो शहद के क्या फ़ायदे हैं, कैसे मधुमक्खी पालन करते हैं और कैसे शहद प्रसंस्करण इकाई स्थापित करते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे मिस्टर निमित सिंह जी। थैंक यू सर। आप सभी लोग को नमस्कार, मैं निमित, मेरा नाम है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं एक PMFME का बेनिफिशियरी भी हूँ और जो मेरी यूनिट है वो बाराबंकी में सेटअप है। 2013 में मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश से एसोसिएट हुआ था एज अ बी कीपर।
सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से। उस समय बी कीपिंग मेरे लिए नया था क्योंकि मैं NIT बी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का कोई भी मुझे पता नहीं था क्या होता है। तो मैं बी कीपिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट किया और बी कीपिंग से जर्नी फार्म टू हाई वाई, देन हम हनी प्रोसेसिंग सेक्टर में आए, फिर एक्सपोर्ट में भी आ गए धीरे धीरे। तो ये लंबी काफ़ी जर्नी रही, 10 मिनट में हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो स्टूडेंट्स भी बैठे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स के लिए भी। PMFME से जब हमने सेटअप किया अपनी प्रोसेसिंग यूनिट, फुली ऑटोमेटेड प्लांट और सारा कुछ PMFME से ग्रांट लेकर के, तो हमने उसके बाद वहाँ से जब एक्सपोर्ट स्टार्ट किया तो फूड इंडस्ट्री में मुझे पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़, अभी सर जैसा गाइडलाइन बता रहे थे, बहुत सारे हनी में हमारे टेस्टिंग होती हैं C3 C4 NMR फ्रक्टोज ग्लूकोज सुक्रोज, तो FSI का तो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट में जाते तो इतने सारे पैरामीटर हमारे पास होते हैं, हर एक कंट्री के अलग पैरामीटर आते हैं, हमें उस पैरामीटर को कम्प्लीट करना होता है। उस पैरामीटर को कम्प्लीट करने के लिए हमको हर एक सैम्पलिंग भी करानी होती है, और ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट बायर ने हमसे डिमांड किया हम तुरंत सैम्पलिंग के लिए भेज देंगे, जब तक डील क्लोजिंग पर नहीं आती तब तक हम सैम्पलिंग देते भी नहीं है, तब तक सैम्पलिंग जाती भी नहीं है जब तक हम लॉट नहीं बनाते हैं। तो हर एक कंट्री का गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हमें हनी को प्रोसेस करके, हनी जब हम प्रोसेस करते हैं तो हनी की मिक्सिंग भी करते हैं, मल्टीफ्लोरा कैटेगरी में हनी को लेके आते हैं, किस विस्कोसिटी से हनी को भेजना है, क्या उसका मॉइस्चर कंटेंट हमें रखना है, इस तरीके से हनी को हम प्रोसेस करते हैं। और हनी को प्रोसेस करने के बाद फिर उसका जब हम लॉट रेडी करते हैं, देन उसके बाद हम उसको बैरल्स में फिल करके आगे भेजते हैं, तब उसकी फाइनल सैम्पलिंग के लिए जाती है आगे। कभी कभी डिपेंड करता है कि बायर्स के लेबोरेटरीज होती हैं, कभी हमारे एंड पे लेबोरेटरी होती हैं, लेकिन जो हनी का मार्केट साइज़ है, हनी का मार्केट साइज़ की बात करें तो लगभग 83% US मार्केट को कवर करता है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो अदर कंट्री उसमें आती है। लेकिन अगर हम रुपीज में बात करें तो मोर देन 18836 मिलियन का हनी का मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये डाटा 2023 का तक का है, 23 फाइनेंशियल ईयर तक का डाटा है ये। उसके बाद हम अगर बात करें उसमें इंडिया जो है उसमें 6th स्टेज पे आता है प्रोडक्शन में, और उसका जो हमने आपको डाटा बताया इसका लगभग मोर देन 35-40% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है उसमें, क्योंकि इंडिया के पास इतना बड़ा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, इतना फॉरेस्ट्री है, इतना हर जगह डिफरेंट फ्लोरा कल्चर है। अगर हम बात करें कन्याकुमारी से लेकर के नागालैंड तक, तो हर जगह हनी निकलती है और हम सबका फ्लोरा साइकिल अलग अलग है। हम बी कीपिंग पे ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि बी कीपिंग हम बताने लगेंगे तो पूरा आई थिंक सेशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बी कीपिंग अपने आप में एक साइंस का पार्ट है और हर एक चीज़ उसमें इन्वॉल्व होता है, बी बिहेवियर, बी साइकिल्स, और बी को कैसे अडॉप्ट करना है हर जगह की स्पीसीज। तो हम हनी पे ही केवल बात करें क्योंकि फूड प्रोसेसिंग का ये पूरा आपका मंच है। अगर हम फिर बात करें कि हनी में हम एक्सपोर्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है मोर देन अभी टॉप 10 में, लास्ट 19 तक इंडिया 8th नंबर पे था, अभी 23 में इंडिया 6th नंबर पे आ गया। सबसे टॉप पे चाइना है, उसके बाद आपका चाइना के बाद आता है न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड में आप सब जानते हैं मनुका हनी होता है, न्यूजीलैंड के बाद आपका अर्जेंटीना है, देन जर्मनी है, देन यूक्रेन है, उसके बाद इंडिया है। ये एक डाटा है NBB की तरफ से भी, डाटा है नेशनल बी बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की तरफ से भी। और इंडिया का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो मस्टर्ड हनी का होता है, क्योंकि मस्टर्ड हनी जो हमारे यहाँ की होती है वो सबसे ज़्यादा ही डोमिनेंट है, और हम उस हनी को नकली मानते हैं, हम लोग उस हनी को नकली मानते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हनी जम जाता है, हम सबके दिमाग में होता है कि शहद अगर जम गया तो वो नकली है, लेकिन ऐसा नहीं है, शहद का जमना ही उसका स्वाभाविक गुण है, और शहद अगर जमेगा नहीं तो हम उसको असली बोल नहीं सकते हैं। हनी सारी जमती है, टेंडेंसी उसकी जमनी ही होती है हनी, लेकिन डिपेंड करता है फ्रक्टोज ग्लूकोज सुक्रोज लेवल क्या है उस हनी का, इस हिसाब से वो जमना उसका टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाता है या घटाता है। सपोज मस्टर्ड हनी में ग्लूकोज लेवल लेस देन 35 होता है, उससे 24 आवर में जम जाता है, लेकिन जामुन हनी का मोर देन 35 होता है तो 2-3 साल तक नहीं जमता हनी। इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा मस्टर्ड हनी होता है, तो मस्टर्ड हनी का जितना भी प्रोडक्शन हमारा सब बाहर जाता है, हम यहाँ पे उसको खाते ही नहीं है, क्योंकि उसको हम नकली मानते हैं। अगर हम 2% यूज करें, क्योंकि अगर 100% अगर इंडिया का मार्केट है तो 80% लीडिंग कंपनियां लीड करती हैं हनी का मार्केट, 20% डिफरेंट ब्रांड्स जो है हनी को लेके आते हैं, और हनी में भी प्रोसेस और रॉ दो डिफरेंट चीज़ है। जैसे हम रॉ मिल्क और प्रोसेस मिल्क लेते हैं, ऐसे हनी में भी प्रोसेस हनी और रॉ हनी कंटेन ऑल मिनरल्स, ऑल विटामिन, ऑल पोलन ग्रेन्स, ऑल परपोलिस, बट आप अगर हम बात करें प्रोसेस, तो प्रोसेस में हम सब कुछ हीट करके ख़त्म कर देते हैं, उसके अंदर वो नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं रहती है जो हम रॉ में देखते हैं। तो डिपेंड करता है कि बायर हमारा कैसा है, रॉ का है कि प्रोसेस का है। प्रोसेस में हम हनी का टेक्सचर, हनी का विस्कोसिटी, हनी का टेस्ट हम 24/7 और 12 महीना हम एक ही मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पास वो मशीनरी है,
इतनी हाईटेक मशीनरी आ चुकी है कि हम हर एक चीज़ मेंटेन कर लेते हैं। अगर मोनो सक्रोड तक हम उसका मेंटेन कर लेते हैं कि 20 रखना है कि 20,000 करना है। आजकल इतनी हाईटेक मशीनरी अवेलेबल है मार्केट में, हम एंटीबायोटिक भी ख़त्म करना तो वो भी ख़त्म हो सकता है हनी से। लेकिन नहीं, हम अगर रॉ की बात करेंगे तो रॉ में जो हमें मिला है नेचुरली, जो उसका विस्कोसिटी मिला है, जो हमें मॉइस्चर मिला है, जो हमें उसका एंटीबायोटिक, अगर हमें अगर फील्ड से एंटीबायोटिक हनी में आ रही, हम बीज को ट्रीट कर रहे हैं तो रॉ में रहेगा और उसको हम निकालेंगे तो उसकी नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हनी को जब निकालते हैं कोई भी चीज़ तो हनी को हम 45 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर लेके जाते हैं और मैक्सिमम 65 डिग्री तक ले जाते हैं। अगर मैक्सिमम हमें कोई भी चीज़ निकालना तो 65 डिग्री ले जाएंगे तो हनी कहाँ रह जाएगा वो। और डायरेक्टली हीट नहीं करते, वाटर हीटेड देते हैं हम, वाटर से हीट देते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं हनी को। डायरेक्टली हीट कभी हनी को नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से हनी का मार्केट है और इंडिया उसमें टॉप 6 में आ चुका है। लेकिन बस यही है कि हमें अभी, हम एज अ फार्मर, क्योंकि एज अ बी कीपर फार्मर भी हूँ मैं, मोर देन 3500 बी हाइव मैं मेंटेन करता हूँ खुद। और हमारे यहाँ प्रोडक्ट भी स्टॉल्स में, आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के स्टॉल में आएंगे, हॉल नंबर 6 में और हॉल नंबर 14 में, हॉल नंबर 14 पास में, 6 आप गेट के पास, तो आप सारे प्रोडक्ट भी वहाँ देखेंगे हनी में। डिफरेंट हनी का टेस्ट क्या है, डिफरेंट हनी की वैरायटी क्या है। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आईफ्रैक के साथ जॉइंट में अभी हमने रिसेंटली कराया भी था खादी के साथ, और भी प्रोग्राम आते रहते हैं। तो आप स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको जरा कोई भी हनी के बारे में नॉलेज या कुछ भी चाहिए तो आप मेरा नंबर रख सकते हैं, आप हमारे यहाँ फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं, 9565566222 मेरा नंबर है। और एक डाटा आपको और बताएंगे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा हनी अगर प्रोड्यूस करता है टॉप 5 में तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, देन पंजाब, उसके बाद बिहार। ये टॉप 5 स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फ्लोरा साइकिल यूपी में ज़्यादा टाइम तक रहता है, क्योंकि मस्टर्ड हमारे यहाँ मेन क्रॉप है, यूकेलिप्टस हमारे यहाँ उसके बाद क्रॉप आता है, फिर बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो साइकिल में चेंज होता रहता है हमारे पास। और हनी की न्यूट्रिशन वैल्यू, आई थिंक आप सबको पता है कि हनी को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है। हनी की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बट हमें हनी का कंजप्शन बढ़ाना है, हम सबको हनी खाना है। अगर हम हनी नहीं खाएंगे तो हमारी जो हेल्थ की प्रॉपर्टीज़ है वो बाकी चीज़ों से पूरी नहीं हो पाती है। और रॉ हनी हमें इनटेक करना है, प्रोसेस हनी इनटेक नहीं करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू निमित जी। जैसा कि मैंने बताया कि शहद जो हमारे बॉडी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और पूर्ण गुणों से भरपूर, क्योंकि डिफरेंट जो हमारी मधुमक्खी हैं, वी हैं, वो जो है डिफरेंट फ्लावर से उसका रस निकाल करके लाते हैं, उसी से जो है शहद का उत्पादन होता है। तो बहुत बहुत जानकारी देने में जी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही मैंने आपको जिक्र किया था कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023, जिसका शुभारंभ 2023 में हुआ है, तो हमारे डायस पर उपस्थित हैं डिप्टी डायरेक्टर फूड प्रोसेसिंग मिस्टर प्रवीण कुमार सर, जिनके सहयोग से। और इस समय जो हमारे प्रदेश सरकार में मुखिया हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके सहयोग से फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 23 का शुभारंभ किया गया था, और उसमें मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूँ जो उसको संचालन करने में स्टेट गवर्नमेंट में हमने भी अपनी थोड़ी भूमिका निभाई है, साथ में सभी लोग सर के साथ में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे। मैं आपको बता दूँ, आप लोग पीली मटर जानते हैं ना, हमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए हैं, पीली मटर जो आपकी ड्राई आती है उससे प्रोटीन कैसे निकाली जाए, झांसी में प्लांट लग रहा है उसको मैंने जो है LOC जारी किया है। जो हमारा चावल जो टूट जाता है उससे ग्लूकोज कैसे लोग वहाँ बनाएंगे, हमने 2 प्रोजेक्ट जो है सहारनपुर में सेंक्शन किए हैं, हमने इनोवेटिव प्रोजेक्टों पर बहुत काम, राइस मिल, फ्लोर मिल, ये सब चीज़ें तो लगी रही थी, लेकिन हमने कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स साथ में जो है आपका फ्रोजन से रिलेटेड कम से कम 10-12 प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने वहाँ सेंक्शन कराए हैं। तो मैं अब प्रदेश सरकार को जो ऊँचाइयों में फूड प्रोसेसिंग के इसमें बढ़ाए, मैं प्रवीण सर से निवेदन करूँगा कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के बारे में जो उसके की पॉइंट्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी दें कष्ट का। थैंक्स विमल जी। मंच पर आसीन मेरे साथी लोगों और इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम।
30 सितंबर को मेरा ये लास्ट डेट होगा गवर्नमेंट में एज ए वर्किंग डे। अभी जब विमल जी ने इंट्रोडक्शन दिया था तो उन्होंने कहा था ये भूतपूर्व नोडल ऑफिसर, मैं नोडल ऑफिसर का काम छोड़ चुका हूँ। मैं नोडल ऑफिसर था फूड प्रोसेसिंग यूपी में। मुझे 2 साल पहले ये मौका दिया था हमारे वर्तमान चीफ सेक्रेटरी तत्कालीन APC एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कमिश्नर ने। मैं उससे पहले था फूड प्रोसेसिंग में ही, पहले प्राइवेट सेक्टर में था, सतनाम ओवरसीज ग्रुप का नाम आपने सुना होगा दिल्ली में। मैं 3 फैक्ट्रियों में काम किया हूँ, 3 ग्रुप में, तीनों का हेडक्वार्टर ग्रेटर क्लास में है। हर फैक्ट्रियाँ इंडिया में थी लेकिन यूपी में एक भी फैक्ट्री नहीं थी। मैं उनसे कहा करता था यूपी में निवेश करो, यूपी सबसे बड़ा पॉपुलेशन का इलाका है, सबसे बड़ा स्वीट वाटर का इलाका है, सबसे बड़ा फर्टाइल लैंड का इलाका है इंडिया में। मतलब अगर यूपी की बात की जाए, केवल एक बुंदेलखंड इलाका ऐसा है, अब उत्तराखंड तो अलग हो चुका उस ज़माने में, जहाँ पे एग्रीकल्चर में मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ के, या सोनभद्र का इलाका। अदरवाइज हमारा पूरा यूपी, आई बिलोंग टू गाजियाबाद, राइट फ्रॉम गाजियाबाद टू बलिया, बॉर्डर ऑफ बिहार, इट इज़ ए ऑल ओवर यूपी इज ए लैंड ऑफ, जैसे कहा जाता है इंडिया की सभ्यता गंगा यमुना की सभ्यता है, ऐसे ही गंगा यमुना का लैंड भी है और हाईली फर्टाइल लैंड है। और चूंकि ये सबसे रिचेस्ट सोर्स है, मैं जब इजराइल गया था तो बोले अगर हमें खाली यूपी ही दे दो तो हम 8 बिलियन पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं, हमें दे दो, मतलब उन्होंने कहा था 8 बिलियन मतलब पूरी दुनिया की आबादी, यानी यूपी की कैपेसिटी ये थी उनके निगाह में। क्योंकि उन्होंने जिस लैंड पे काम किया इजराइल में, वहाँ ज़मीन नहीं है, पत्थर है, रेत वो लाए समुद्र से, फर्टाइल उन्होंने ऑर्गेनिक बनाई, ड्रिप इरीगेशन उन्होंने लगाया, पॉली हाउस उन्होंने लगाया, वहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर 55 डिग्री जाता है जिसमें वो खेतीबाड़ी और वो बीट से लेके डेयरी तक सब काम। दूध का एवरेज प्रोडक्शन गाय का उनका 50 लीटर है पर गाय, मतलब मैं उसी गांव में भी रुका हूँ जहाँ पे ये अभी 1 साल पहले वहाँ उन्होंने अटैक किया, वो पॉलिटिकल है कहानी, लेकिन वो डेवलप्ड, सबसे डेवलप्ड सिटी था जहाँ कभी 2000 साल तक कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब उन्होंने 1950 में जब इजराइल बना तो चूंकि युद्ध हुआ उनका, तो उस जगह उन्हें आर्मी लगानी थी, रखनी थी, तो वहाँ के प्रेजिडेंट ने कहा भाई कौन ऐसे 5 लोग आए वहाँ निकल के कि जो यहाँ खेती कर दें, जहाँ कुछ ना हुआ 5000 सालों से, ना पानी ना ज़मीन और टेम्परेचर 50। तो उन लोगों ने वहाँ पे एक ठेका लिया था कि एक तरह चैलेंज लिया था साइंटिस्टों ने कि हम यहाँ खेती कर देंगे, और वो आज का सबसे बेस्ट प्रोडक्शन इलाका है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, वीट क्रॉप हो, मतलब कोई भी क्रॉप हो, डेयरी हो, वो लोग इतने उससे काम करते हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है, मैं वहाँ जब गया तो देखा जो प्लानिंग है कंप्यूटर पे है, लोग वो 50 लोग काम करने वाले और फ्लोर पे काम करने वाले केवल 5 लोग। बोले हमारा जितना भी दिमाग लगता है वो प्लानिंग में लगता है, एग्जीक्यूशन में नहीं। तो अधिकतर जगह एग्जीक्यूशन पार्ट पे काम करने वाले 5 और प्लानिंग पे 500, क्योंकि वो सारा ऑटोमाइज कंप्यूटराइज सिस्टम से काम होता है, वहाँ मैकेनाइज सिस्टम से। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब मैं लखनऊ पहुँचा था 18 में, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने मुझसे कहा कि स्टेट के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बहुत हैं, इनके स्टोरेज की, कोल्ड स्टोरेज जो बन रहे थे हमारे यूपी में, वो ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेज बनते थे आलू के स्टोरेज के लिए, क्योंकि यूपी में लार्जेस्ट प्रोडक्शन आलू का है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, लेकिन अदर क्रॉप्स का बहुत स्कोप था क्योंकि हमारे यहाँ पॉली हाउस बड़ी तेज़ी से आ रहे थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट थी जो अदर क्रॉप्स को रख सकें, जिन्हें हम जनरली मल्टी चैम्बर, मल्टी टेम्परेचर, मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, जो यूपी में बनाने से लोग हिचक रहे थे, कह रहे थे कि साहब यहाँ इसका स्कोप क्या है। लेकिन मैंने उसी को वहाँ प्रमोट किया और लोगों ने लगाना चालू किया अक्रॉस यूपी, झांसी मंडल तक में लोगों ने कोल्ड स्टोरेज लगाए। जब मैंने उनको समझाया कि जब आप कोल्ड स्टोरेज लगाओगे तो प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा, किसान तो ये देखेगा ना मेरा माल कहाँ जाएगा। 2 साल पहले जब मैं फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की बात आई, तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग 86 से स्कीमें चलाती थी, लेकिन चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है स्कीम चलाती थी वो ऑल ओवर इंडिया के लिए चलाती थी, तो उनका जो फंडिंग के लिमिटेड होते थे, तो पर्टिकुलर पेरिसेबल आइटम के लिए हमको जो यूपी एक लैंड लॉक का आइटम, अगर हम एक्सपोर्ट करना है या इंडिया की भी डोमेस्टिक मार्केट को भेजना है, तो वहाँ कूल चैन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में 60% जो प्रोसेसिंग होती है वो कूल चैन के थ्रू होती है,
बाकी 40% ही वैल्यू एडिशन है। हमारे इंडिया में हार्डली 2% कूल चेन थी, इसीलिए जो कहा जाता है ना पेरिसेबल आइटम की प्रोसेसिंग केवल 2% है इंडिया में, ये जो बढ़ के अभी 4-5% हुई है, उसका कारण सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे किसान के लेवल से कस्टमर के लेवल तक जाने के लिए इंडिया का टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन बड़ी डिफरेंट है, हाई है, हाई हॉट कंडीशन भी है तो कोल्ड कंडीशन भी है, तो उसके लिए कूल चैन की रिक्वायरमेंट थी। तो पॉलिसी जो हमने बनाई फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, अभी तक जो पॉलिसियाँ थी वो एक तरह की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही थी, जैसे फ्लोर मिल हो गई, राइस मिल हो गई या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, या हमने कंसंट्रेशन रखा कि कैसे यूपी के अंदर, क्योंकि आपको मैं बता दूं 1 किलो चावल को एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये मान के चलिए हमारा 1100 लीटर पानी एक्सपोर्ट हो रहा है, स्वीट वाटर, जो पानी की एक बोतल 50 रुपये की, यानी हम चावल अगर 100 रुपये में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम बहुत घाटे में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पानी तो हम इतना कंज्यूम कर ले रहे हैं उसके अंदर पैडी के प्रोडक्शन में, और यूपी वन ऑफ द लार्जेस्ट पैडी प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टर था, क्योंकि बासमती राइस यूपी से होता था, जो हरियाणा हो चाहे मैं दिल्ली में भी था, तो मैक्सिमम राइस जब सतनाम और से उस ग्रुप में था तो हमारा जो बासमती राइस की पैडी आती थी वो यूपी से आती थी एक्सपोर्ट के लिए, कहने को हरियाणा में प्रोसेस होती थी लेकिन सारी आती थी यूपी से, प्लांट सारे हरियाणा में थे मेरे, यूपी में एक भी प्लांट नहीं था, पंजाब में थे, हरियाणा में थे, दिल्ली में थे, लेकिन हम जो पैडी क्योंकि कुछ कारण थे तो ये यूपी के अंदर अब तेज़ी से पैडी प्रोसेसिंग के भी प्लांट लगे हैं। मैनपुरी इलाका आपने सुना होगा, गंगा के किनारे पड़ता है, वहाँ बहुत तेज़ी से प्लांट लगे हैं, तो वो अलग चीज़ थी। तो हमने कहा कुछ ऐसा किया जाए पॉलिसी में, हमारे चीफ बोले आपके वर्तमान चीफ सेक्रेटरी की कोई ऐसी चीज़ें करो प्रवीण जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हों जो यूपी में लगे, वो एक्चुअल में वर्ल्ड वाइज घूमे हैं, IAS अफसर रहे हैं सीनियर लेवल पे, जो यूपी में निवेश हो और यहाँ के किसानों को फ़ायदा हो और यहाँ के लोगों को रोज़गार लगे। तो उसमें जो विमल ने एग्जाम्पल दिया है, अभी आपको मैं बताएं, जैसे रेड चिल्ली आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में खूब होती है, लेकिन हमने उसको बरेली जोन में, यहाँ पे उससे भी अच्छी हो सकती थी लेकिन चूंकि इसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं थी तो इस वजह से किसान नहीं लगा रहा था। जैसे किसान ने एक फैक्ट्री लगाई हुई थी पहले बरेली में टमाटर केचप वगैरह की, किसान की फैक्ट्री को ये थी मिजय मालिया जी की, इसे हिंदुस्तान लीवर ग्रुप ने लिया 98 में, तो उन्होंने वो फैक्ट्री बंद कर दी क्योंकि वहाँ जो टमाटर की कॉस्ट थी चाइना में आने वाले पेस्ट से बहुत महंगा पड़ता था, कन्वर्जन कॉस्ट, तो वो चाइना से पेस्ट ला के पंजाब में प्रोसेस कराने लगे। आज जो किसान का केचप है वो आता है लेकिन वो चाइना की पेस्ट से आता है, जहाँ चाइना 92 में एक भी किलो टमाटर नहीं उगाता था और इंडिया इज़ द सेकंड एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर था, अमेरिका फर्स्ट था टमाटर का, लेकिन अब इंडिया नहीं है, अब चाइना नंबर एक है वर्ल्ड में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो पॉलिसी बनाई थी, तो इसमें ये ध्यान रखा गया था कि हाईएस्ट सब्सिडी जो है वो इंटीग्रेटेड कूल चैन को दी जाए। तो हम यूपी के अंदर 10 करोड़ जो सब्सिडी दे रहे हैं वो इंटीग्रेटेड कूल चैन के प्रोजेक्टों को दे रहे हैं, और उसमें भारत सरकार तो अभी 35% देती है, हम लोग 50% भी सब्सिडी दे रहे हैं, 50% फ्रोजन पार्ट पे दे रहे हैं जहाँ -20 के कोल्ड स्टोरेज या प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलरली ये आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स में इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या जैसे अभी गामा रेडिएशन है, एक्चुअल में यूपी में 2 एयरपोर्ट आ रहे हैं इंटरनेशनल, एक बनारस में एक जेवर में, आपने सुना होगा, यहाँ से यूरोप को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, एयर लिफ्टिंग करनी है, तो हमें वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है जो अभी हमारे चौहान साहब बता रहे थे, जहाँ पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल ना हो और फसल को हम इस तरह प्रिजर्व करें कि उसमें मिनिमम डैमेज हो, क्वालिटी डैमेज, मतलब जो नेचुरल फॉर्म है। तो वो बेस्ट टेक्नोलॉजी है गामा रेडिएशंस जो अवेलेबल है इंडिया में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से, तो उसके ट्रीटमेंट के बाद मैक्सिमम उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है प्रोडक्ट की, फ्रेश की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सबसे बड़ा एयर कार्गो सिस्टम डेवलप होगा जो जेवर होगा इंडिया का, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है इस नीति को बनाने में कि कल को जो यूपी में लोग प्रोजेक्ट लगाएं तो उनको कैपिटल इंसेंटिव भी दिया जाएगा और एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी है। ये 10 करोड़ तो है ही है, अगर यूनिट लगा लेगा उसके बाद जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, चाहे यूपी के किसी भी हिस्से से रॉ मटेरियल लेगा और वो प्रोसेस यूपी में करेगा और यूपी से एक्सपोर्ट करेगा, तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 25% दी जाएगी फॉर एक्सपोर्ट। मतलब एक तो यूनिट लगा ली
फिर यूनिट के बाद जो माल प्रोड्यूस करेगा उसे वो एक्सपोर्ट करता है, कोई भी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। आज जो टॉपिक है ये हमारा को जो यूपी ने चेंज किया था वो वैल्यू चेंज किया था। वैल्यू चेंज का मतलब है कि ऐसी चेंज डेवलप की जाए जहाँ फार्मर की क्रॉप को हाईएस्ट वैल्यू मिल सके, चाहे वो हमारी कूल चेन के माध्यम से हों, चाहे वो वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग के माध्यम से हों। जैसे अभी इन्होंने कहा, अभी तक मटर का जो प्रोटीन है ये इम्पोर्ट होता है, इंडिया में ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ, अब ये प्लान लग रहा है। और उससे पहले ही नोएडा की कई कंपनियां कह रही हैं साहब 100% तो हम ही ले लेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि वो अभी तक इम्पोर्ट कर रही थी। वो जो दिल्ली में आप रेडी टू ईट फूड खाते हैं जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बढ़ाने की, एक्चुअल में जनरली प्रोटीन मटन में 20-22% होता है। इस फॉर्म से प्रोटीन लाया जाएगा 60% ड्राई फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में 80%, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो 80% प्रोटीन कंटेंट होगा। अभी तक जो भी प्रोटीन इंडिया में है वो मिल्क सोर्स से आता है, कैसीन, जिसमें 90% प्रोटीन होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, एक साउथ में तमिलनाडु में लगा हुआ है प्लांट, लेकिन वो मटर से नहीं है, वो सोयाबीन से है। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई गई थी। तो एक तो 10 करोड़ की सब्सिडी हम दे ही रहे हैं, एक हमने और खूबी इसमें प्लान की थी, वो प्लानिंग ये की गई थी कि रूरल इलाके में इंडस्ट्रियाँ लगे अधिक से अधिक और महिला लोग आए, तो इसलिए रूरल में बिजली की प्रॉब्लम बहुत है। मतलब बिजली तो मिलती है, रात के टाइम ज़्यादा मिलती है, 12 घंटे 14 घंटे या 16 घंटे, दिन में बिजली कम रहती है, क्योंकि यूपी इज़ नॉट दैट फ्री, मतलब एक तरह बिजली प्रोड्यूसिंग स्टेट है, दूसरे स्टेट से लेता था। तो हमने ये देखा कि भाई जनरेटर लगाएगा तो पॉल्यूशन होता है, रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो महिला आदमियों को प्रमोट करने के लिए सोलर प्लांट पे इंडिया में पहला है जो यूपी 90% सब्सिडी देगा, 75 किलोवाट तक का अगर उसकी रिक्वायरमेंट है उस प्लांट में, तो हम 90% सब्सिडी दे रहे हैं। ऑलरेडी हम 20 प्रोजेक्ट सेंक्शन कर चुके हैं, सब्सिडी 5 यूनिटों को पेमेंट की जा चुकी है। तो 90% की सब्सिडी महिलाओं के लिए और जनरल व्यक्ति के लिए 50% की सब्सिडी। अगर रूरल इलाके में वो प्लांट लगाता है और साथ में सोलर प्लांट भी लगाता है तो ये सब्सिडी दी जाएगी। एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए अगर वो यूनिट लगा रहा है, अगर वो पेरिसेबल नहीं है, नॉन पेरिसेबल आइटम है, तो 5 करोड़ तक की 35% से सब्सिडी पहली दफ़े हम दे रहे हैं यूपी में। अभी तक 50 लाख थी, इसे बढ़ा के हमने 5 करोड़ किया है। और कोई प्रेजेंट में कहीं क्लस्टर डेवलप कर रहा है, खाली 5 यूनिट लगा रहा है एक ही जगह प्लांट में और 25 करोड़ का निवेश करेगा, तो उसको 25 करोड़ के निवेश पे 10 करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी नॉन पेरिसेबल आइटम में भी। ऐसे ही पर्टिकुलरली अभी आपको पता होगा कोऑपरेटिव मूवमेंट, महिला समूह मूवमेंट, इनको ध्यान में रखते हुए अगर कोई एफपीओ ग्रुप बना के इंडस्ट्री लगा रहा है और 1 करोड़ तक का मतलब प्रोजेक्ट है उसका, इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट तो बड़ा भी हो सकता है, तो 1 करोड़ पर हम 50% 50 लाख सब्सिडी देंगे, अदरवाइज 35% देने हैं जो इस समूह में लगाएगा यूनिट। अभी तक भारत सरकार की जो पीएफएमई स्कीम है वो केवल 35% 10 लाख सब्सिडी देती है, लेकिन हमने पॉलिसी में उसे बढ़ा के 50 लाख और 50% किया है। मतलब ये आपको एक खूबी बता रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जो पीएफएमई स्कीम थी उसमें 35% से 10 लाख थी, लेकिन हमने उसे 50% किया है। इसी तरह कोई स्टडी, स्पेसिफिक स्टडी के लिए हमने अभी 2 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, एक तो जियो टैगिंग ऑफ द आल क्रॉप्स, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डास डिपार्टमेंट यूपी का चला रहा है इसकी सर्वे के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर सर्वे होगा तो उसको 50% 3 ईयर्स तक प्रोजेक्ट कॉस्ट का मैक्सिमम 5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी, और जो गवर्नमेंट में लग रहा है उसे 15 करोड़ तक की दी जाएगी इन्वेस्टमेंट, उस पर स्टडी पर होने वाला खर्चा। तो यूपी डास ऑलरेडी कर रही है, उसको लास्ट ईयर हम 5 करोड़ दे चुके हैं, इस साल देंगे अभी जैसी वो पिछले साल की रिपोर्ट हमें सबमिट करेगा। और फॉर्चून राइस है यहाँ नोएडा में, ये लोग फर्स्ट ऑर्गेनिक बासमती राइस एक्सपोर्टर हैं, तेलजा ब्रांड जो है उससे इनका एक्सपोर्ट होता है यूरोप में, क्योंकि ऑर्गेनिक राइस से मतलब क्या है एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, वो प्योर ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन जितने भी प्रोसेस में पेस्टिसाइड है उनको ख़त्म किया गया है। नंबर दो, जब प्लांट में प्रोडक्ट प्रोसेस होता है तो जनरली इसको इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए स्टोरेज में इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता था, मिथाइल ब्रोमाइड का होता था पहले एल्युमिनियम सल्फर में, क्योंकि 57 वर्ष ग्रुप में रहा हूँ, अब ये सब खत्म हो गया है। अब वीट के लिए भी कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, तो इनको CO2 गैस से
ख़त्म किया जाता है। तो CO2 गैस वो गैस है जिससे ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो उस गैस के कारण फिर हमको कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जैसे अभी आपने देखा होगा जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्ट जो स्नैक्स आते हैं वो नाइट्रोजन फ्लस आते हैं, लेकिन कुछ कंट्री में CO2 प्रोसेस प्रोडक्ट भी होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की जगह CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में नहीं किया जाता, कारण है कुछ टेम्परेचर या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हमने पॉलिसी बनाई थी, और ये पॉलिसी टोटली ऑनलाइन है, मतलब आपको कोई पेपर सबमिट नहीं करना, सब ऑनलाइन पे करना, और बिल्कुल सिंप्लीफाइड किया गया है। पूरे स्टेट का एक पोर्टल बना है निवेश मित्र, इन्वेस्ट यूपी उसको संचालित करती है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। केवल 6 डॉक्यूमेंट पॉलिसी के इसके में सब्सिडी लेने के लिए अप्लाई करने हैं आपको। आपका पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो आधार कार्ड वगैरह मांगता है इन्वेस्ट यूपी। उसके बाद आप पॉलिसी जो भी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। 27 डिपार्टमेंटों की पॉलिसियाँ चल रही हैं या सर्विसेज चल रही हैं, मतलब सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट यूपी में लागू है। तो हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के लिए केवल हम 6 डॉक्यूमेंट मांगते हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नंबर 2 बैंक अप्रीजल नोट, नंबर 3 बैंक लोन सेंक्शन लेटर, नंबर 4 लैंड डॉक्यूमेंट, नंबर 5 अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका मैप एंड उसका एस्टीमेट, नंबर 6 जो मशीनें आप खरीद रहे हैं उसका चार्टर्ड इंजीनियर से वेरीफाइड स्टेटमेंट प्लस प्रोफॉर्मा बिल और इनवाइस ऑफ द मशीनरी, वेदर इट इज़ ए इम्पोर्टेड और वेदर इट इज़ ए इंडोजीनियस। ये केवल 6 डॉक्यूमेंट आपको उस पर अपलोड करने हैं सिस्टम पे PDF फॉर्म में। ऑटोमेटिक आपके पास सबमिशन का ऑप्शन है, उसको रीसबमिशन भी कर सकते हैं एक तरफ है, अगर कहीं गलती हो गई है बार बार भी कर सकते हैं उसी नंबर पे जनरेशन पे, इतना आपको करना है। थैंक्स, मैंने जितना बोलना था बोल दिया, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, किसी का कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे तीनों लोग बैठे हुए हैं। जी जी बोलिए। मेरा नाम अंकुर चतुर्वेदी है, वेस्ट यूपी में काम कर रहे हैं एग्रो प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। हमने कुछ दिन पहले ही मैं अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द फार्मर्स टू सी ये गेहूँ चावल की जगह और क्या क्रॉप कर सकते हैं। तो मेन जो इशू निकल के आता है वो सलाइन पानी का आता है। Okay, we have this saline water which is coming from Delhi side, and usi time maine kuch apne mitron se baat ki jo Israel ki irrigation technology mein lage hue hain, aur aap swayam ab prakat ho gaye hamare samne jo UP ke hain jo Israel ho ke aaye hain, to any low cost desalination solutions aapko lag raha hai jo, because that will sort of encourage our farmers to move away from wheat and rice and see what other high value crops they can do, बिकॉज ये डीसैलिनेशन पानी की इशू वेस्टर्न यूपी साइड में थोड़ी है जो हमने जो मैंने नोटिस किया है। आई डोंट नो आपका, मैं वही बता रहा हूँ आपको जो ये ड्रिप। हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जो माइक्रो इरिगेशन आपने बताया था ना चौहान साहब ने, तो जो डीसैलिनेशन की प्रोसेस हुआ वो हाई साल्ट वाटर है, pH उनकी 10 है, तो वो ड्रिप इरिगेशन इस तरह करते हैं, तो वह उन्होंने स्टोन्स का इस्तेमाल किया है पॉली हाउस में, तो जो साल्ट है वो बाहर रह जाता है फिल्टर हो गए, जैसे मटके में पानी फिल्टर करते थे, और वो उसी हाई pH के पानी को यूज करते हैं जिससे स्ट्रेस है। और जैसे पेप्सी, हमारे कैप्सिकम होती है ना रेड और येलो, उनकी बिल्कुल स्वीट होती है, सलाद हो जाता है, और TSS उसमें 10 पहुंच जाती है, तो वो सोल्यूशन उन्होंने ढूंढा हुआ ऑलरेडी, टेक्नोलॉजी है, और हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कन्नौज में बना हुआ है, बस्ती में बना है, तो वो इसराइल के साथ सहयोग से हो रहा है काम है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। और बाकी तो फिर इसराइल के पास पूरी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, वो इंटरेस्टेड हैं इंडिया में काम करने में, वो आपको उनके साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 17 में गया था तो वो चाहती थी इंडिया में हम काम करना, वो हर तरह के इलाके में काम करना चाहती हैं। इंडिया में तो अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसराइल में मैंने देखी है जहाँ वो पूरा साल्टेड वाटर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ तो स्वीट वाटर तो केवल नॉर्थ इसराइल में, बाकी तो सारा साल्टेड वाटर है जिससे वो खेती करते हैं, हाई साल्टेड है, पूरे वाइट क्रिस्टल जाते हैं ड्रिप के बाहर, फिर उससे फिल्टर होकर पानी जाता है, मतलब जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है पॉली हाउस में जहाँ सारी क्रॉप्स वो लगा रहे हैं हॉर्टिकल्चर की,
वीट केवल वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ स्वीट वाटर अवेलेबल है, बाकी पाम से लेके एवरीथिंग उसी से करते हैं। थैंक्स। हाँ, और किसी का क्वेश्चन? अच्छा हाँ सर, बोले दो सर। तो आई एम डॉक्टर यादव। 2017 में वी हैड दिस वर्ल्ड फूड इंडिया एंड आई हैड डिस्कशन विथ योगी जी एंड मौर्या जी थे उस समय टू इन्वेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वी हैव स्टार्टेड सम बेकरी नियर आई मीन वाराणसी, डूइंग गुड, बट आई एम माई सेल्फ अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आई एम पास प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। वी वुड लाइक टू हैव गुड कोलेबरेशन इन द सेंस, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, जैविक FSSAI हैज दिस थिंग, वॉट एफर्ट आवर हॉर्टिकल्चर एंड डिपार्टमेंट इज गोइंग टू डू टू हैव सम इंटीग्रेशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, मे बी ग्रीन हाउस इफेक्ट है या कैसे उसको यू नो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो भी है हमारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल अवॉइड करके, वेयर फार्मर गेट्स अ बेटर वैल्यू फॉर द मनी। कोल्ड रूम आपने बताया वो एक अलग फर्दर एक्सटेंशन हो गया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। मैनी जो आपने कहा सर कि वो उसके बारे में इस समय पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ लगे हुए हैं। और अगर आप लखनऊ के आसपास जाएंगे तो बाराबंकी इलाका है, सीतापुर है, लखीमपुर है, हरदोई है, और यहाँ आपके गाजियाबाद के NCR रीजन्स में आप जाएंगे तो देर लॉट ऑफ पॉली हाउस बिल्डअप हुए हैं, और वहाँ पे कंट्रोल कंडीशंस में हमारे किसान भाई बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और 4 से 5 गुना मुनाफा वो कमा भी रहे हैं। पहले शुरू में पॉली हाउस केवल फूलों की खेती के लिए आया था, लेकिन अब वहाँ पर एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, जैसे अभी हमारे प्रवीण जी ने बताया कि रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, जो आपकी कलर्ड कैप्सिकम्स हैं वो बेसिकली सलाद में खाई जाती हैं एक्सेप्ट ग्रीन के उसमें, और बहुत अच्छे ढंग से उसको लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे पैसा कमा रहे हैं। और साथ ही साथ जो इजराइल का जो एक आपका खीरा है जो आपने देखा होगा वो बिना छिले खाया जाता है, तो वो किसान भाई हमारे बहुत पैदा कर रहे हैं, और आप खाली उसको तोड़ो और खा जाओ, उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसको पील करने की, कोई मतलब कड़वाहट है ही नहीं उसमें खीरे में, उसमें बहुत अच्छी बम्पर क्रॉप्स हमारे किसान भाई ले रहे हैं उसमें, और उनके मार्केट लिंकेज जो हमारे प्रोसेसर्स हैं उनके साथ हैं। कोल्ड चेन की बात है, कोल्ड चेन की काफ़ी यूनिट्स हमारे प्रदेश में आई हुई हैं, और वो किसान भाइयों से सब्जियां जो ले रहे हैं वो आपके जो कट वेजिटेबल्स हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, उसको कन्वर्ट करके वो आगे मार्केट्स में, होटल्स में सप्लाई कर रहे हैं उसमें। यस सर। सो एनी सपोर्ट मे बी यू लाइक टू आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक दैट इज अ एरिया, प्रोसेसिंग हैज टू बी नियर टू द फार्म हाउस। अगर वहाँ अभी जैसे आपको बताएं, अभी छोटा सा एग्जांपल, बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे इंटीग्रेटेड पैक हाउस का उद्घाटन किया था, उससे पहले वहाँ से एक्सपोर्ट्स किसान भाइयों का नहीं जा पा रहा था, वेजिटेबल्स बेसिकली स्पाइसेस, इस समय लखनऊ से ज़्यादा वहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका ग्रीन चिली हैं, कैप्सिकम्स हैं, आपके भिंडी हैं, ये सब चीज़ें आपकी जा रही हैं वहाँ पर। एक्चुअली अभी क्या है, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा। अभी गाजीपुर एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग इलाका है वेजिटेबल्स के लिए, बनारस के साथ लगा हुआ है, ये मेरे से कहा था कि वहाँ किसी बड़े इंडस्ट्रीज को लाओ आप, तो जो वहाँ प्रोजेक्ट लगाए, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट तो केवल प्रमोशनल कर सकती है, लेकिन आज की डेट में जब तक एक प्राइवेट प्लेयर नहीं होगा, कि गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं करती, प्राइवेट प्लेयर एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं, इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर हियर टू सी दैट हाउ वी कैन कोलैबोरेट सर, उसके लिए नहीं, आपका जैसे कहना ना कि आप कोई भी, आप चाहे 2 लाइन का आप हमें एक लेटर भेज दीजिए, देन वी विल साइन द MOU विद यू, नो प्रॉब्लम। आज भी हमने MOU किया है लूलू माल के साथ, लास्ट ईयर किया, तो लूलू माल ऑलरेडी फार्मर के साथ टाई अप करके एक्सपोर्ट कर रहा है वेजिटेबल यूपी से, क्योंकि उसके जितने भी माल है अभी यूपी से नहीं जाता, तब जा रहा है, वो पूरा टाई अप कराया गया। थैंक यू सर। आई हैव अ क्वेश्चन।
In 2021, UP government had conducted three festivals focusing on three crops. One, strawberry from Jhansi, jaggery of Lucknow, and Kala Namak rice of Siddharthnagar, which has GI tag 2. What has been the performance of these three initiatives post 2021? And do you feel, is there any need gap as of now which needs to be addressed? Thank you. देखिए जो स्ट्रॉबेरी का आपने बताया झांसी में वो एक लेडी थी जिन्होंने अपने घर पे पहले वो शौकिया रूप में उन्होंने अपने घर की छत पे शुरू करा था उसको और वो अब इस समय भी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रही हैं क्योंकि स्ट्रॉबेरी क्या है बहुत ही पेरिशेबल डेलिकेट क्रॉप्स है और ये जितना हल्का चिलिंग उसको मिलेगा तो उसमें जो है स्वीटनेस ज़्यादा आ जाती है अगर आप गर्म इलाके में ज़्यादा करेंगे तो नो डाउट स्ट्रॉबेरी तो हमें मिलेगी लेकिन उसकी स्वीटनेस आपकी बहुत कम हो जाएगी तो स्ट्रॉबेरी हाँ हमारे पास एक मॉडल है महाबलेश्वर जो कि स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया विथ ऑल द चैलेंजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉबेरी और मे बी अदर बेरीज एक्स बेरीज एज सच वहाँ पे बहुत सारे रेस्पी वगैरह है वी हैव अ मॉडल नाउ झांसी को जब टैग किया जा रहा है स्ट्रॉबेरी के साथ कैन वी डेवलप झांसी टू बी ऑफ दैट थिंग वेल महाबलेश्वर इज हैविंग टू ब्रांड्स माला एंड मैप्रो विच रूल्स दैट टाउन हिल स्टेशन टाउन तो उसको देखते हुए हमारे देश पे ही है क्या हम लोग कुछ ऐसा सोच सकते हैं झांसी के लिए थैंक यू आप प्रस्ताव लेके आइए हम लोग हाथ के हाथ जो आप चाहेंगे वो हम करवा के देंगे और ये इनिशिएटिव इंडिया से ही है हाँ बाहर से नहीं बिल्कुल मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह फ्रॉम CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक हमारा अभी यूपी गवर्नमेंट के साथ CSIR का साइन हुआ था MOU आई थिंक दिस वॉज इन 2020 उसमें हमारे CSIR की चार लैब्स हैं एक्चुअली लखनऊ में CDRI में PNBRI IITR तो एक लैब तो काफ़ी अलग से भी MOU गवर्नमेंट के साथ कर रहा है यूपी के साथ और काफ़ी कुछ एरोमेटिक ऑयल्स के ऊपर काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा और कुछ काम हो पाया है तो उसमें नोडल भी हमें द्विवेदी कोई आया था वहाँ से नाम यूपी गवर्नमेंट से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से तो डायरेक्टर प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर हैं हमारे मिस्टर बीबी द्विवेदी जी राइट उनका नाम भी आया था फिर उसके अलावा ऑफकोर्स प्रबोध कुमार त्रिवेदी वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं उसके अलावा आई डोंट थिंक कि मच मोर एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग तो उसमें अगर कुछ आप बता सकें तो बहुत अच्छा होगा नहीं मैम एक्चुअल में जो आपने MOU साइन जैसे NBRI है CDRI है CMAP है IITR है हाँ. तो इनके मैंडेट्स अपनी अपनी जगह हैं CSIR के आपका ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारे साथ ऑलरेडी हमारे साथ जॉइंट वेंचर में काम करते हैं हाँ, जैसे हाँ. आपका मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CIS चैमानखेड़ा में है ICR का वो भी हमारे साथ काम करता है एक्चुअली उसमें आपका एक और डिमांड आया था कि फार्मा पार्क हमारी कुछ लैब्स हैं वो फार्मा एरिया में काम करती हैं कि फार्मा पार्क कैन बी एस्टेब्लिश इन यूपी लखनऊ वो फार्मा तो पाथ आगे वाला कुछ हुआ नहीं नहीं वो फार्मा पाथ वाला जो MOU है वो हमारा फूड एंड ड्रग अथॉरिटी डिपार्टमेंट से हुआ था हाँ, वो उन्हीं अगर आप उसमें कोई कुछ हुआ हो तो वो हमें कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस शेयर कर देंगे तो हम लोग उसको आगे परसू करवा देंगे ठीक है मैं करूंगी चलिए नाइस टू सी यू हाँ यस यू कैन नोट डाउन माई नंबर ऑल्सो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं होगा ठीक है हाँ यस थैंक यू अर्लियर वो आप कोई फूड टेस्टिंग लैब में थे ना वो भी है वो भी है अरे आप उसी में अभी डायरेक्टर हैं हां मुझे पता है ओके थैंक यू यस सर और किसी का कोई सवाल कोई सवाल है क्यों टाइम भी हो गया 4:30 बजे तक मेरा सेशन था वो पूरा होने जा रहा है लास्ट क्वेश्चन कोई भी पूछ ले नहीं प्रोग्रेस तो हमारे जो अचीवमेंट है वो भारत सरकार की सब कुछ है हमारे पास बहुत कुछ है देखिए यूपी का वर्ड जो आता है अल्फाबेटिकली पीछे आता है लेकिन अब यूपी जिस तेजी से काम कर रहा है ना वो सब आगे निकल जाएगा अब बहुत तेजी से काम कर रहा है पॉलिटिकल रीजन होते हैं तो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग होती है गवर्नमेंट की अपनी प्रेफरेंस रिसोर्सेज का गवर्नमेंट प्रेफरेंस आप गवर्नमेंट की जहाँ चीफ सेक्रेटरी खुद इन्वॉल्व हो फूड प्रोसेसिंग पे आप उसी से लगा दीजिए
मैंने उनको ये समझाने में सफल रहा कि बिना फूड प्रोसेसिंग के कोई भी बेमानी है यूपी में डेवलपमेंट, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग वो सेक्टर है जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है एक तरह से, और 90% इलाका ऑफ यूपी इज अंडर एग्रीकल्चर, समझिए आप। तो एग्रीकल्चर को अगर प्रमोट करना है तो आपको फूड प्रोसेसिंग करनी ही पड़ेगी प्रमोट। सबसे ज़्यादा फूड इंडस्ट्री FSSAI की वो आपके उत्तर प्रदेश में है, तो हाँ संभव ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रोग्रेस है लेकिन क्योंकि दिखती नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है 25 करोड़। हाँ उससे पहले बहुत हाँ परेशानी थी लेकिन वैसे मैडम एक चीज़ मैं कहूँगा, हमारा जो उत्तर प्रदेश का पवेलियन लगा हुआ है उसके पीछे हमारा सब जो स्टॉल लगे हुए हैं यूपी के ही हैं, आप एक बार विजिट जरूर करिएगा अभी H6 में जा करके, ठीक है। हाँ जी जी, तो अच्छा क्वेश्चन, हाँ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हम लोग फ्लावर मिल, क्या फ्लोर मिल, फ्लावर मिल, फ्लोर मिल, हाँ फ्लोर मिल, हमारा डेली लॉन्च है अभी। फ्लोर मिल को हम प्रमोट नहीं कर रहे थे अभी तक, मैंने आपको बताया ना ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को नहीं दे रहे थे, अभी मैंने पॉलिसी बना के भेज दी है गवर्नमेंट को, अगर उसको अप्रूव कर दिया गवर्नमेंट ने तो फ्लोर मिल करेंगे, क्योंकि यूपी में प्रीडोमिनेंटली फ्लोर मिल ही प्रमोट हो रही थी और राइस मिल, अदर सेक्टर नहीं हो रहा था। तो एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट पे भी लिमिटेड फंड्स होते हैं, तो हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ती है कि किस चीज़ को आप लगा सकते हैं फ्लोर मिल, लेकिन सब्सिडी के लिए हम अभी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं कर रहे थे पिछले 2 सालों से, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉलिसी 17 थी जो यूपी गवर्नमेंट चलाई थी उसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट राइस मिल के थे, नंबर 2 के फ्लोर मिल के थे, अदर सेक्टर नेग्लेक्टेड था, पर्टिकुलरली पेरिसेबल आइटम्स के, क्योंकि सब्सिडी का अमाउंट ही 50 लाख था तो लोग हमारे यहाँ नहीं आ रहे थे। अब जब सब्सिडी का अमाउंट 10 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गया, तो यूपी में अब आपको मैं बता दूँ हमने उतने प्रोजेक्ट सेंक्शन कर दिए हैं जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 10 साल में किए हैं, खाली यूपी में कर दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पूरे इंडिया के लिए किए, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, उतने प्रोजेक्ट सेंक्शन किए केवल 2 साल में पेरिसेबल आइटम्स, क्योंकि रीजन भी क्या है, गवर्नमेंट की भी अपनी प्रायोरिटी होती है, हर सेक्टर उनको देखना है, PFAB स्कीम भी देखनी है, हमें PFAB का फंड तो भारत सरकार से मिला था, स्टेट को केवल 40%, इसके लिए एक्सक्लूसिव पॉलिसी बनाई यूपी के लिए, यूपी लैंड लॉक इलाका है, तो हमको ये देखना था कि भाई यहाँ की पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखना है, यहाँ की नीड को भी। एक्चुअली यूपी में राइस बहुत होता था लेकिन राइस ब्रांड ऑयल नहीं होता था, यहाँ से राइस ब्रांड दूसरे स्टेट में जाके हो रहा था, तो हमने कहा यूपी में तेल जो हो रहा है वो इंपोर्ट हो रहा है, खाने का तेल हमें यूपी में चाहिए, और आज की डेट में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ हार्ट का मरीज हो डायबिटिक का वो राइस ब्रांड ऑयल ही बोलेगा, जितने मैक्सिमम महंगे तेल हैं उसमें राइस ब्रांड ऑयल 80% है, बाकी 20% में अदर ऑयल है, नहीं तो हमारे देश में पाम ऑयल सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता था, जितने भी होटल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हाईली हार्मलेस, क्योंकि वो तने से निकलता आते हैं, सीड से नहीं निकलता, लेकिन चूंकि हमारी नीड है, पॉपुलेशन है, हम मलेशिया एंड जितने भी कंट्री इनसे इंपोर्ट करते हैं, ये तो माननीय मोदी जी जब PM बन गए तो उनकी सोच दूसरी है, इससे पहले तो नहीं, तो हम ऑयल तो दोनों ही तरह का, खाने का भी और पेट्रोल वाला ऑयल भी दोनों ही इम्पोर्टिंग कर रहे थे, और दोनों में उनका था कि हमारे स्वावलंबी बने हम, तो इसलिए वो ग्रीन एनर्जी की बात है, चाहे वो सोलर एनर्जी है, चाहे वाइन एनर्जी है, चाहे कोई अदर एनर्जी है, कैसे उसको, चाहे अभी तो एग्रीकल्चर वेस्ट से भी एनर्जी बन रही है, बायोफ्यूल जिसकी बात कर रहे हैं, कोल वगैरह जो बनता है उसके भी यूपी में, तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कैसे किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं काम बिजनेस करूँ, मैं भी चाहता हूँ मैं कुछ करूँ, तो लेकिन लिमिटेशन सोर्स होते हैं, तो अब अगर गवर्नमेंट उस नीति को एक्सेप्ट कर लेगी तो जो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन के और कैपेसिटी के बीच है
तो उसका कुछ परसेंट हमने कहा इसको और प्रमोट किया जाए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री लगी होती है उनकी भी लोभी होती है, वो भी कहते हैं कि साहब अभी तो इतनी इंडस्ट्री लग गई यही नहीं चल पा रही, तो आप नहीं लगा देंगे तो वो कैसे चलेगी। कि फ्लोर मिल एसोसिएशन बनी है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, यूपी में भी, तो ऐसी राइस मिलर एसोसिएशन भी है, तो उनके अपने पहलू होते हैं जो एग्जिस्टिंग है। ऐसी कोल्ड स्टोरेज के भी थे, उन्होंने उस टाइम का नहीं नए नए यूनिट है, मैंने कहा ये जितने कोल्ड स्टोरेज, मैं कहा ऐसा सिनेमा हॉल भी थे, लेकिन माल फिर चला रहा है ना, सब सिनेमा हॉल खत्म हो गए, अब सब जगह माल बनते जा रहे हैं, उसमें भी सिनेमा हॉल होते हैं, पहले तो सिनेमा हॉल की जगह हो। थैंक यू सर। मैरिज हॉल सर 4:30 हो गया। अब मैं चूँकि एक घंटे का ही टाइम मिला था हम लोगों का मीटिंग करने के लिए, तो बहुत कुछ जानकारियां हमारे जो टेक्निकल पर्सन्स थे उनके द्वारा दी गई। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको लास्ट, कि जो हमारी एक्सपोर्ट के लिए जो कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है उसमें 25% अनुदान है, सब्सिडी है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में, और जिसमें नेपाल भूटान और बांग्लादेश को छोड़ करके, तो जहाँ से आप इंडस्ट्री से प्रोड्यूस आप लेते हैं वहाँ तक जिस कंट्री को भेजते हैं वहाँ के बंदरगाह तक जो भी खर्चा आपका आएगा उसका 25% सब्सिडी का प्राविधान है हमारे फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में। थैंक यू। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उपनिदेशक खाद्य प्रसंस्करण प्रवीण सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं उनके जो प्रश्न थे, जो जिज्ञासाएँ थी, उनका बखूबी जवाब दिया, और शायद मैं आशा करता हूँ कि वो लोग हमारे इस क्वेश्चनों से खुश हुए होंगे और जो उनकी जिज्ञासा थे उसका पूर्ण उत्तर मिल गया होगा। इसी प्रकार से मैं आर फ्रैक लैब के डॉक्टर एस के चौहान साहब जो निदेशक हैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के क्वालिटी कंट्रोल्स के बारे में या अपनी लैब के बारे में विशेष जानकारी दी, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही निमित जी जो हमारे हनी के निर्यातक भी होने जा रहे हैं, और देखिए PMFME योजना मैंने जो बताई थी आपको 10 लाख से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लगाया, जो 35% हमारे, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर 30 लाख रुपए, इसको हम स्टार्टअप कहते हैं, 30 लाख रुपया लगाया और इन्होंने 10 लाख लाया, आज इनके स्टाइल और इनके जो क्वालिटी जो उन्होंने बताया टर्नओवर आप लोगों ने ध्यान से सुना, तो यही स्टार्टअप होता है किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए या किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मिस्टर निमेज, और साथ ही जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स या ऑफिसर्स हमारे बैठे हुए हैं हमारे बीच में, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि जो अपना अमूल्य समय दे करके और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत, और मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से लेकर के कार्यक्रम का समापन करता हूं। थैंक यू।